दोस्तों, आपने अमेजोन से कभी ना कभी कुछ ना कुछ सामान हम कभी ना कभी परचेस किया होगा, चाहे आपने बिग बिलियन डेज यूज किया हो या रेगुलर टाइम में भी आपने कुछ प्रोडक्ट आपने अमेजोन के यूज किए होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अमेजोन के जो एक मार्केट प्लेस होता है जहाँ से आप एक अच्छा खासा कमीशन आप कमा सकते हो। वैसे अमेजोन से पैसा कमाने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स है, बहुत सारे सोर्सेज है। जैसे लाइक आप अमेजोन पे अपना सेलर अकाउंट बना के भी आप अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों क्या है कि आपको अपना अपने पास में एक स्टोर होना चाहिए, अपने पास में आपके साथ में जीएसटी बिल होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपके इन्वेस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं, आपको कुछ मटेरियल आपको रखना पड़ता है, आपने गोडाउन रखना पड़ता है या शॉप हो जो भी हो, आपको स्टोरेज कैपेसिटी के लिए आपको रखना पड़ता है, फिर आपको कुछ डिलीवरी के लिए प्रोसेस करना रहता है, ये सब चीज़ों का एक झंझट होता है उस चीज़ में अमेजोन सेलर में। बट दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसके लिए आपको न तो एक रुपया खर्च करने की ज़रूरत है, न ही आपको स्टॉक करने की ज़रूरत है, न ही आपको जीएसटी नंबर लेने की। दोस्तों, ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और सिंपल प्रोसेस का मीनिंग सिर्फ इतना नहीं है कि इतना सिंपल है, थोड़ा सा उसमें कुछ पॉलिसीज है अमेज़न की जो आपको ध्यान रखना है, और उस पॉलिसीज को ध्यान रख के आप एक अच्छा खासा मार्जिन आप यहाँ से कमा सकते हो। और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से रेगुलरली इनकम अर्न करते हैं, जैसे जैसे अपनी अपने मार्केट में अपना नाम होता जाता है, अपनी पहुँच बढ़ती जाती है, उस तरीके से आप कमीशन आप अर्न करते जाते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि आपके पास में शायद पब्लिक नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे तो उसके साथ में आपकी पब्लिक आपकी बिल्डअप होती जाएगी और आप अपने प्रोडक्ट जो है ज़्यादा वाइडर पब्लिक में आप सेल कर पाओगे, और वो भी बहुत ही ज़ीरो कॉस्ट पे, आपको बिल्कुल भी एक रुपया वेस्ट करने की एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ अमेज़न पे ये प्रोग्राम कैसे है, तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे अमेज़न से आप अर्निंग करते हैं, कहाँ से आपको अमेज़न के साथ में पार्टनर बनना है। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको पूरा इसके रिगार्डिंग ये वीडियो बता रहा हूँ, तो पूरा आप इसमें कोई भी पॉइंट आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ का इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक बार आपके अप्रूवल के लिए अमेज़न के पास में रिक्वेस्ट जाएगा, अमेज़न उसको अप्रूव करेगा नहीं करेगा अमेज़न के ऊपर है, बट एक बार अप्रूव हो गया देन यू कैन अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि आजकल जो मार्केट है दोस्तों ऑनलाइन मार्केट में तब्दील हो रहा है, पहले वाला मार्केट नहीं रहा जहाँ ऑफलाइन अपने यूज़ करते थे, तो ये ऑनलाइन मार्केट में आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और ऐसे वीडियोस और ज़्यादा मेरे थ्रू आते रहेंगे जहां आप ये वीडियो नोट बेल आइकन भी दबाइएगा जिससे आपको वीडियोस जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मिले। इसके बारे में बताऊँ तो ये अमेज़न का एक एसोसिएट प्रोग्राम रहता है जिसको अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम भी कहते हैं, और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी, आप वहाँ से जाकर साइनअप करके प्रोसेस कर सकते हैं। जो ये वीडियो देखने के बाद में कीजिएगा, पूरा समझिएगा, उसके बाद में आप साइनअप भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम के बारे में ऐसा है कि आप यहाँ से क्या करिए, खाली एक साइनअप कीजिए, अच्छा लगता है जिस भी नीश पे आपको काम करना है, कोई ऐसा नहीं कि आप अपेरल्स भी कर रहे हो, आप ट्रेडिंग भी कर, आप म्यूज़िक भी बेच रहे हो, आप कुछ भी करो, इतना नहीं होता। आपको कोई एक चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, आपको किस प्रोडक्ट लाइन में आपको काम करना है। जैसे अगर आप अपेरल्स में काम करते, आप कपड़ों के रिगार्डिंग सारे आइटम आप बेचें, बिंदास बेचें, कोई इशू नहीं, लेकिन आप उसके साथ में आप मोबाइल भी ऐड कर लोगे, आप उसके साथ में दूसरा आइटम नहीं है, लेकिन आपके मार्केट बिल्डअप नहीं हो पाएगा उस। अमेज़न को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अमेज़न को तो माल सेल करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, इसलिए अमेज़न तो आपको अलाउ करेगा, बट आपकी जो ग्रोथ है ना वो डाइवर्सिफाई नहीं हो पाएगी, ज़्यादा पहुँच नहीं पाओगे पब्लिक तक। तो उसके लिए आपको एक नीश मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट सेल करना है जहाँ आपको एक बेटर ऑप्शन मिले, और एक आपके प्रोडक्ट सारे एक दूसरे से मिलते जुलते होना चाहिए, जिससे आपको कि अगर कोई पर्सन आपका रिलेटेड प्रोडक्ट में भी आपका विजिट करेगा तो आपसे आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर होते हैं। प्रोसेस में अभी आपको पहले प्रोसेस बता रहा हूँ, लॉगिन कैसे करते हैं, साइनअप कैसे करते हैं, लिंक कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे डालते हैं, वो सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ से आप पूरा प्रोसेस समझिए, उसके बाद उसके आगे का वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको कौन से काम नहीं करने हैं जिससे आपका अमेज़न अकाउंट जो है बैन ना हो, सस्पेंड ना हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अमेज़न की पॉलिसी के खिलाफ अगर आप कुछ काम करोगे, कहीं पे अलग जगह लिंक शेयर करोगे, किसी जहां आपको काम नहीं करना है वहां पे आप करोगे तो आपका अमेज़न अकाउंट सस्पेंड कर देगा। तो ये वीडियो देखिए और पूरा समझिए कैसे क्या है। अमेज़न अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में आना है और आपके ब्राउज़र में आना है, ब्राउज़र से आपको
अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग आपको सर्च करना है, जिसके लिए आप लिखेंगे अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम इन इंडिया। और ये लिखने के बाद में आपको आगे के लिए क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये अमेज़ॉन की भी वेबसाइट आ जाएगी, और जो पहले लिंक आपको दिख रही है affiliate.amazonprogram.in, यहाँ पे क्लिक करना है और ये अमेज़ॉन एसोसिएट प्रोग्राम का पेज आ जाएगा। वहाँ से आपको साइनअप करने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। आपको इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इंडिया में आप अमेज़ॉन करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेस क्या है आप देखिए, साइनअप करना है, रिकमेंड करना है प्रोडक्ट को, और जैसे ही कोई आदमी वहाँ से परचेस करता है तो आपको उसका कमीशन मिल जाएगा अप टू 10%, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये अमेज़न प्रोग्राम। साइनअप करना रहेगा अपने को, अपने साइनअप कर लेते हैं। साइनअप करने के लिए अगर आपका पहले से कोई अमेज़न अकाउंट है तो उसी को आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपके अकाउंट नहीं है तो आप एक नया अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे उसके बाद आपको ईमेल आईडी आपको रजिस्टर करना रहता है अपना। अगर आप ज्वाइनिंग करते हो साथ में तो उस टाइम आप ईमेल आईडी डाल दीजिए, अगर ना हो तो बाद में भी आप डाल सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ये अमेज़न एसोसिएट्स का एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी। मैंने ऑलरेडी पहले डाल दिया है, जो आपके नाम, नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह, ये सब एड्रेस वगैरह डालना है। एड्रेस आपको एकदम सही डालना है, कोई भी गलत ना डालें, ठीक है। उसके बाद नीचे दे रखा है हु इज़ द कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ द अकाउंट, तो आपको लिखना है पे लिस्टेड अबो, मतलब जो ऊपर जो आपने नाम वगैरह लिखा है वही उसका ऑनर है इस अकाउंट्स का, ठीक है। देन आपको लिखा है फॉर द US पर्सन, आ जो टैक्स पर्सन इन US, तो आपने लिखना नहीं, नो कर देना है, अपने US के नहीं है, ठीक है। अगर आप ये अकाउंट किसी और को हैंडल करने देते हो तो आप समवन एल्स का भी नाम डाल सकते हो, अदरवाइज अपना सेल्फ पे ही करके अपने जाने देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑप्शन आता है कि एंटर योर वेबसाइट, तो यहाँ पे आपको अपना एक कोई भी वेबसाइट अगर आपकी अवेलेबल हो तो वो आप डाल सकते हो, अगर ना हो तो आप अपने फेसबुक पेज भी आप डाल सकते हो, ठीक है। आपको फेसबुक की प्रोफाइल या वो सब नहीं डालना है, कोई भी अपने इंडिविजुअल प्रोफाइल नहीं डालना है, ये आप खास ध्यान रखिएगा। उससे फेसबुक आपका जो प्रोफाइल अकाउंट है वो आपको बैन कर सकता है, तो उसके लिए आप खाली पेज बना दीजिए, पेज बना के आप उसको वेबसाइट के थ्रू आप डाल दीजिए, ठीक है। अगर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में आपको कुछ प्रोफाइल्स के रिगार्डिंग आपको और डिटेल्स भरनी रहेगी, जहाँ पे आपको स्टोर आईडी एक मिलेगा अमेज़न की तरफ से, वो डालने के लिए आपको क्या करना रहेगा कि आपका नाम वगैरह आप डाल दीजिए जो भी आपको रखना है। अमेज़न उसके बेस पे आपको एक स्टोर आईडी देगा उसी नंबर से रजिस्टर करने के लिए। और अगर आपके कुछ नाम जो भी आपको ये सेलेक्ट करना है, आपको ध्यान रहना चाहिए, आपको याद भी रहना चाहिए, क्योंकि आप इससे लॉगिन कर सकते हो फ्यूचर में। यहाँ पे दे रखा है व्हाट आर योर वेबसाइट और एप्स अबाउट, मतलब आपकी एप्लीकेशन और वेबसाइट किस बारे में है, तो अपने लिख देना प्रोडक्ट एंड रिव्यू या जो भी आप प्रोडक्ट बेचने वाले हो उसके रिगार्डिंग। यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, मीडिया पब्लिशर जो भी है, आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग आप डाल दीजिएगा, जो भी आपकी वेबसाइट के रिगार्डिंग है। जैसे मैंने अभी डाल दिया कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, मतलब मैं ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो सेल करने वाला हूँ। दूसरा सेकेंडरी एक ऑप्शन और है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, होम प्रोडक्ट है, वेडिंग प्रो, मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, कुछ भी हो वो आप डाल सकते हैं आपकी वेबसाइट के रिगार्डिंग। कुछ नहीं हो तो आप अदर्स के भी जाने दे सकते हो, मैंने अदर्स कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये है कि व्हाट टाइप ऑफ अमेज़न आइटम यू डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट, मतलब किस टाइप के अमेज़न प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो। तो यहाँ क्लोथिंग, कंप्यूटर, होम अप्लायंस वगैरह, ग्रोसरी वगैरह, जो आपको सेलेक्ट करना है आप करके आगे प्रोसेस करिए। उसके बाद ऑप्शन आता है कि कूपन और डील्स वगैरह, ये आपकी वेबसाइट के बारे में क्या है, बर्फ किस टाइप की आपकी वेबसाइट है, तो आपको कुछ नहीं पता है कैसी वेबसाइट है आपके, तो आप अदर्स करके जाने दीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आएगा कि ट्रैफिक और मोनेटाइजेशन आपको कैसे करना है, तो उसके लिए क्या है कि आप ट्रैफिक कहाँ से लाते हो, तो ये लिखा हुआ, उसके लिए आप सोशल नेटवर्किंग आप सेलेक्ट कर लीजिए, सोशल नेटवर्किंग सेलेक्ट कर लीजिए, ब्लॉग आप सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका है ईमेल मार्केटिंग आप सेलेक्ट, शॉपिंग पोर्टल है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी सेलेक्ट कर लेनी है जो आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको सूट करें, आप अपने हिसाब से आप जो भी करना है आप कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट और एप्स टू जनरेट इनकम, आप इनकम जनरेट करने के लिए अपनी वेबसाइट पे क्या करते हैं,
तो जैसे ई कॉमर्स है, डिजिटल है, एडवर्टाइजर है, क्या आप करते हो वो सब आपको डाल देना है। आपको लिखना है अमेजोन ओनली, बराबर, अमेजोन ओनली मोनेटाइजेशन आपको लिखना है अगर आपको अमेजोन से ही इनकम करना है तो, ठीक है। दूसरा आप ई कॉमर्स वगैरह डाल सकते हो, जैसे मैंने रखा है। हाउ डू यू बिल्ड यूजरी लिंक्स, आप लिंक्स कैसे बिल्ड करते हो, तो इसके लिए आपको HTML या कुछ भी करना हो आप मैन्युअली कर दीजिए, मैन्युअली में कोई इशू नहीं, अपने डायरेक्ट लिंक मैन्युअली में आपको बताऊंगा लिंक कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे आपको प्रमोट करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बताने वाला हूं, वीडियो पूरा आप देखिएगा। उसके बाद ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अदर्स भी डाल सकते हो। उसके बाद हाउ डू यू, आपके जो यूनिक प्रोफाइल जो है आप, आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आपको रेगुलरली विजिट करते हैं मंथली, ठीक है, हर महीने कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं। तो आप देखिए लेस देन 500 तक कभी मत कीजिएगा, आपको 500 से 5000 तक की लिमिट आप रखिएगा, या 5000 टू 50000 रखिए, जो भी आपके हिसाब से सेट हो, लेकिन मिनिमम आपको 500 से 5000 तो रखना ही है, ठीक है, अदरवाइज अमेजन आपको अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीज़न टू ज्वाइनिंग अमेजन इंडिया प्रोग्राम, अमेजन एसोसिएट प्रोग्राम। तो देखिए अपना मेन चीज़ ये है टू मोनेटाइज, मतलब अपने पैसे कमाने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। हाउ डू यू हियर अबाउट अस, अमेजोन के बारे में आपने कैसे सुना है, तो उसके लिए आप सीधा सीधा डाल दीजिए कि आपने जो है नेटवर्किंग साइट या ऑनलाइन आपने सुना है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड दे रखा है, कैप्चा कोड आप भर दीजिए और फिर आगे आप नीचे दे रखा टर्म्स एंड कंडीशन ऐप जो है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और टर्म्स एंड कंडीशन आप टिक मार करके आगे फिनिश कर दीजिए। तो यहाँ आप फिनिश करने के बाद में अगर आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ना है तो भी यहाँ ऑप्शन दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो भी आप डायरेक्टली अप्रूव कर सकते हैं, सीधा फिनिश कर सकते हैं। एक बार आप अपने प्रोफाइल पे देख लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। फिनिश करने के बाद में आपको एक आईडी मिल जाएगा कि आपका कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया है हमको, कि आपका एप्लीकेशन हो गया है। अब एप्लीकेशन होने के बाद 24 घंटे के अंदर जो है अमेजोन जो है नॉर्मली 24 घंटे के अंदर आपको अप्रूवल के रिगार्डिंग या रिजेक्शन के रिगार्डिंग आपको इंटीमेट कर देता है। अदरवाइज अगर आपको इंटीमेट नहीं भी होता है, जो मैंने ले दिए देखिए, आप 24 घंटे के अंदर आपको इंटीमेट एक्सेस मिल जाएगा पूरा, लेकिन नॉर्मली हो जाता है, किसी अमेजोन इतना ज़्यादा नहीं रखता है। या नीचे दे रखा है टेंट स्टैक डिटेल्स जो है वो आपको डालनी रहती है, वो आप बाद में भी डाल, एक बार अप्रूवल आने के बाद में आप डालिएगा, ठीक है। अभी ये देखिए अपना अमेजोन अकाउंट अपना क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आप देखिए सारे लिंक्स वगैरह आ गए, लिंक्स कैसे क्रिएट करना वो सब आपको दिखाएगा, यहाँ आपकी इनकम कैसे होती है, कितने आपके आइटम ऑर्डर हुए वो सब यहाँ दिखाने वाले हैं, ठीक है। और आप देखिए नीचे कि आपके टोटल फीस कितनी आई हुई है, आपकी फुल रिपोर्ट कितनी है, टोटल इनकम कितना है, वो सब का आपको यहाँ दिखे कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट सेल करोगे वो सब आपको दिखेगा यहाँ पे। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि देखिए सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ से जो लिंक्स है क्लिक है वो आपको कैसे करवाने हैं, कैसे प्रमोट करना है, वो सब इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और ज़्यादा, ठीक है। अब आप समझिए कि आपको अर्निंग रिपोर्ट्स कैसे मिलता है, अर्निंग का फीस कैसे डिसाइड होता है, कि आपको कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना कमीशन मिलता है, तो ये करने के लिए मैं आपको बता, तो यहाँ पे आने के बाद में आप समझिए कि यहाँ पे एक फीस शेड्यूल करके ऑप्शन दे रखा है, तो वो आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप देखिए ये पढ़ लीजिएगा पूरा कि कौन से प्रोडक्ट आपके क्वालिफाइड होने वाले, कौन से नॉन क्वालिफाइड होने, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये सारे प्रोडक्ट के कमीशन लिस्ट आपको दे रखी है कि कौन से प्रोडक्ट पे आपको कितना कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बार आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कौन से प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना है, वो आप खुद समझदार है, ठीक है। और आप देखिए कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना डायरेक्ट फीस है, जैसे नीचे दे रखा है न्यू मोबाइल फोन से एक फिक्स 1% इनकम, देखिए ऊपर 2.5% दे रखा होगा और नीचे एक कमीशन करके ये प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो आपको ओनली 1% मिलेगा, 2.5% नहीं मिलेगा। ये सारे प्रोडक्ट लिस्ट आप एक बार आराम से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये आप देखिए टॉयज है, अपेरल्स है, बगेज है, लेगेज है, वॉचेज है, होम ग्रॉसरी वगैरह सब, ये सारे आइटम, ऑफिस स्टेशनरी वगैरह सब दे रखे, जिस पे कुछ पे 9% है, कुछ पे 8% है, कुछ पे 5% है, कुछ पे 4% है, 2.5%, 2%, 0.2% भी है। और उसके अलावा ये सब लिस्टेड है, उसके अलावा जो कुछ प्रोडक्ट होने वाले हैं वो 10% की कैटेगरी में आएंगे जो नीचे दे रखे हैं। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया 1% वाले जो ये आपको दे रखा है, उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है, वो भी आप देख लीजिएगा। ये एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट है
जिसमें फ़्लाइट बुकिंग है, क्लिप गिफ्ट कार्ड है, प्राइम मेंबरशिप है, अमेजोन पेमेंट पे है, पेमेंट पे बैलेंस है, अमेजोन पे से आप कुछ भी रिचार्ज वगैरह करते हो तो उससे नहीं मिलने वाला है कुछ भी कमीशन। उसके अलावा सैमसंग के कुछ प्रोडक्ट्स है, M31 है, शाओमी के कुछ प्रोडक्ट्स, रेडमी नोट 9 है, नोट 8 है, इनके ऊपर आपको कुछ कमीशन नहीं मिले। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, आप एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट सेल करोगे मोबाइल फ़ोन्स के रिगार्डिंग तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोग्राम हो गया कि आपको यहाँ समझ में आ गया कि कमीशन कितना मिलता है। अब आप देखिए, कुछ आप ऐसे बाउंटी प्रोग्राम भी होते हैं, अगर आप वो उसके ऊपर कोई भी आपको ये सेलेक्ट करवाते हो तो आपको ऊपर का जो फिक्स परसेंट है वो नहीं मिलेगा, लेकिन एक फिक्स इनकम मिल जाएगी। सपोज आप किसी को अमेजोन के थ्रू मेम्बरशिप दिलवाते हो या कुछ ऑडिबल ट्रायल वगैरह करवाते हो तो उसके ऊपर आप 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ कुछ फीस है वो आपको मिलेगा। अब आप समझिएगा आपको लिंक कैसे क्रिएट करना है। तो समझिएगा आपको एक प्रोडक्ट है वो आपको सर्च करके उसकी लिंक बना के लोगों को देनी है। तो मैं एक आइडिया बता दूँ, सैमसंग जो है सैमसंग गैलेक्सी S10 आपको अगर सेलेक्ट करना है तो S10 आप लिखेंगे यहाँ पे और सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे उसका डिटेल्स आ जाएगा, और डिटेल्स आने के बाद में देखिए यहाँ पे ये पहला प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखा हो सीधा गेट लिंक। यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है इसकी नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको उसकी लिंक मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप समझिए कि आपकी वेबसाइट है तो आप डायरेक्ट HTML कोड में लेंगे, टैक्स एंड वेबसाइट, टैक्स एंड इमेज, ये आप लेंगे। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आपको फेसबुक पेज या ट्विटर पेज पे डालना है तो आप टेक्स्ट ओनली जो ऊपर दे रखा है वो करेंगे। अगर वेबसाइट है तो ये आप सीधा कॉपी कर लीजिए और अपने वेबसाइट पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आपको फेसबुक पेज है, आप नॉर्मल है तो फेसबुक पेज के ऊपर आप जाइए या टेक्स्ट ओनली में यहाँ से ये लिंक आप कॉपी करिए, या फिर आप शॉर्ट लिंक जो है ये कॉपी करिए, ये आपको डायरेक्ट डाल सकते हो आप सीधा सीधा। ठीक है, आप इसके लिए मैं आपको यूज़ करने के लिए बोलता हूँ शॉर्ट लिंक्स आप यूज़ कीजिएगा डायरेक्टली। तो यहाँ से आप सीधा अपने फेसबुक पेज के ऊपर कॉपी कीजिए, फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर मत कीजिएगा अभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये मेरा फेसबुक पेज है, मैंने लिंक कॉपी कर दिया है और यहाँ मेरा फेसबुक पेज ओपन हो गया है। मैंने यहाँ पे आपको एक बताता हूँ लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ कैसे इसको पोस्ट करना है। तो आप देखिएगा ये मेरा ओपन हो गया फेसबुक पेज, यहाँ पे मैं आपको एक क्रिएट पोस्ट करके मैं बताता हूँ कि कैसे उसको प्रमोट करना है। ये मैंने क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ क्लिक करने के बाद में मैं पोस्ट यहाँ डाल देता हूँ। और पोस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है कि पोस्ट आपको किस बारे में है। जैसे अपनी पोस्ट है सैमसंग गैलेक्सी S10 के बारे में है तो आपको S10 के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेज में होनी चाहिए और वो आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना पड़े कि ये लिंक पे आपको क्या मिलने वाला है। क्योंकि कोई भी आदमी अगर लिंक देख के डायरेक्ट उस पर क्लिक नहीं करता है, उसके लिए आपको कुछ बायो बताना होता है, डेटा बताना होता है ये इसके बारे में। तो जैसे ये नीचे आ गया है अमेजन गैलेक्सी S10 प्रिज्म ब्लू 8GB 128GB, तो यहाँ पे अपने 8GB 128GB इतना लिख देंगे। ठीक है, ये हम टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद में आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा पोस्ट पे क्लिक कर देना है। और पोस्ट पे क्लिक करने के बाद में आपकी पोस्ट जो है वो लाइव हो जाती है। लाइव होने के जो भी पर्सन इस पोस्ट पे आके आपके क्लिक करेंगे और आपके परचेस करेंगे तो अमेजोन से आपको कमीशन मिलना चालू हो जाएगा। परचेज होने के बाद में शिपिंग होने के बाद में जब तक उनका रिटर्न प्रोग्राम फिनिश नहीं होता तब तक आपको कमीशन नहीं, और रिटर्न प्रोग्राम फिनिश होने के बाद ही आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद आप कुछ प्रोडक्ट जो है ब्राउज भी कर सकते हो। डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट सर्च करना नहीं आता तो आप ब्राउज कीजिए कौन सा प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको सर्च करना है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे मैं सपोज कि वॉचेस मेरे को सेलेक्ट करना है, अच्छी वॉचेस कौन सी है क्या है, तो वॉचेस के लिंक मेरे को लेने दिए। देखिए आप वॉचेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सब वॉचेस आ जाएगी जो भी अमेजोन पे अवेलेबल है शेयर करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं फास्टैग जो रिफ्लेक्स है वो वॉच अगर मेरे को सेल करना है 1695 रुपये की, तो यहाँ पे मैं गेट लिंक पे क्लिक करके यहाँ से लिंक ले सकता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले लिंक बताया है। उसी तरह के सारे प्रोडक्ट की लिंक आप जब चाहे तब आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको स्टोरेज की ज़रूरत नहीं, कोई आपको कहीं भी शॉप लेने की ज़रूरत नहीं, रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत, आप अपने सिंपल से मोबाइल से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल के अंदर अपने टैक्स डेटा जो है वो आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, फैट और इनकम कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
टैक्स डेटा फिलअप करने के बाद में यहाँ पे देखिए ये इनकम्प्लीट दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने अपना GST या पैन कार्ड आपने नहीं दिया, वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपने जो है ना डिटेल्स, अगर आपके फेसबुक पेज के अलावा दूसरा कोई भी आपकी वेबसाइट वगैरह ऐड होती है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको पेमेंट प्लान आपको देखना है, आपको कौन से अकाउंट में आपको पेमेंट लेना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। इस अकाउंट्स के अंदर आके अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पेमेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, आप देखिए चेंज पेमेंट मेथड है, यहाँ पे आपको कौन से अकाउंट में पैसा लेना है वो क्लिक करेंगे तो आपको अकाउंट नंबर आपको डालना रहता है, ठीक है। और जैसे ही आपके समझिए आप कमीशन 1000 पूरा हो जाएगा ना, तो आपके ऑटोमेटिक NEFT आपके अकाउंट में आ जाएगा, आज अभी भी आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिए, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सब आप एकदम करेक्टली डालिएगा, पैसा किसी और के अकाउंट में ना जाए वो आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप डिटेल्स अपनी दोबारा वेरीफाई करके आप डिटेल्स डालिएगा। मैं यहाँ पे अपने डिटेल्स डाल दिए और फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। अपना ये डिटेल्स मैंने सबमिट कर लिया और अभी अपना अकाउंट रेडी टू यूज़ है, तो आप ऐसे यूज करके। सबसे पहले तो दोस्तों क्या है कि देखिए जैसे मैंने आपको ये वीडियो बताया साइन अप कर देना, आपको लिंक कैसे बिल्डअप करना है वो आप इस वीडियो में जान गए। अब आपको क्या करना है कि कहाँ आपको शेयर करना है। देखिए सबसे पहले आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक जो है उसके ऊपर आपको शेयर नहीं करना है। नहीं करना मीन्स नहीं करना, आप व्हाट्सअप पे शेयर मत कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये। दूसरा आपको मैं बता देता हूँ, आप अपने ब्लॉग के साथ में, अगर आपकी वेबसाइट है, ब्लॉग साइट है, तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं बिल्कुल। उसके लिए ही आपको प्रोग्राम है, अमेज़न उसके लिए अलाउ करता है। आप फेसबुक के लिए अलाउ अगर आपको करना है तो आप उसके लिए अलग से पेज बना के आप कीजिए, ग्रुप बना के कीजिए, लेकिन आप अपने प्रोफाइल के ऊपर मत कीजिए। अगर प्रोफाइल के ऊपर करेंगे तो अमेज़न तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर ही देगा, साथ में फेसबुक भी आपको वायलेट पॉलिसी में आता है फेसबुक के लिए भी, कि आप कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते अपने प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपको कोई प्रोफाइल के ऊपर प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको अलग आप पेज बनिए सेलर अकाउंट की टाइप से, उसमें आप सेल कीजिए अमेजोन को और फेसबुक को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आप कोई भी ऑडल्ट साइट हो, ऑडल्ट कंटेंट हो, वायलेटिंग कंटेंट हो, ऐसी कोई भी प्रोफाइल, ऐसी कोई भी साइट या ऐसी कोई फेसबुक पेज के ऊपर या कहीं पे भी आप ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, आप लिंक शेयर नहीं कर सकते। अमेज़न का जो आपको लगता होगा कि अमेज़न को कैसे पता, लेकिन अमेज़न आपसे ज़्यादा होशियार है और उसकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके साथ में मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, आप अमेज़न का लोगो या अमेज़न का नाम कभी भी अपनी साइट पे या अपने ब्लॉग में या अपने फेसबुक पेज पे या जहाँ कहीं भी आप लिंक शेयर कर रहे हो वहाँ पे आपको अमेज़न का नाम, अमेज़न का लोगो या अमेज़न के प्रोडक्ट के रिव्यूज़ वगैरह कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उससे आपका अकाउंट वॉलेट में आता है और आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो ये चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको बताई। और नॉर्मल लिंक जो होते हैं 24 आवर्स के लिए होती है अवेलेबल, तो आप उसके लिए क्या है कि आप एक, अगर आप वेबसाइट के ऊपर कर रहे हो, अपने ब्लॉग के ऊपर कर रहे हो, आप API यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही ईजी होता है। थोड़ा सा आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगा, लेकिन आप वो करते हैं। अगर आपके पास में वेबसाइट नहीं है तो आप फेसबुक पेज के ऊपर रेगुलरली, आप सपोज़ कि आपको एक प्रोडक्ट सेल करना, आप 24 घंटे बाद या 50 घंटे बाद जब भी आपको टाइम मिले आप उसी प्रोडक्ट को दोबारा आप लिंक डाल सकते हैं। नया लिंक होंगे उसके बाद में आप विड्रॉल कर सकते हैं, उसके पहले आप विड्रॉल नहीं कर सकते। तो आपको कमीशन जो रखना है 1000 आपका जैसे हो जाए उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके किसी महीने में पेमेंट जो आएगा वो मंथली आता है, अगर आपके किसी महीने में 1000 पूरा नहीं होता तो नेक्स्ट महीने में मिलेगा। और एक चीज़ बहुत बड़ी है कि आपको मिनिमम 180 डेज में मिनिमम आपको 3 प्रोडक्ट सेल करने कंपल्सरी है। अगर आप 3 प्रोडक्ट सेल नहीं करते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। और आप अपने लिंक से आप खुद ही परचेज ना करें, अगर आप करते हो तो आपके अमेज़न अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, साथ में आपको कमीशन भी नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों एक अच्छा प्रोसेस है जहाँ से आप मार्केट को बिल्डअप कीजिए अपना और अच्छा एक कमीशन अर्न कीजिए। दोस्तों इस अफिलिएट मार्केटिंग का जो है बहुत बड़ा मार्केट है आज की तारीख में, और अभी आपको शायद आप नए होंगे या अगर आप कर भी रहे होंगे तो आप समझिए कि लोग इससे लाखों रुपए कमा रहे हैं। जहाँ पे आप खाली सिर्फ अमेज़न से अगर आप यूज़ करते हैं, ऐसे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में अमेज़न का बता रहा हूँ, मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके रिगार्डिंग रेगुलरली आपको टाइम टू टाइम मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। तो ये इस चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और हमारे साथ बन रहे, हमारे दूसरे लिंक, हमारे जो वेबसाइट है वो सब लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारा बाकी सारे पेजेस है, उस पर भी आप कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ बनिए ताकि आपको नए नए चीज़ें और इंटेलिजेंट स्मार्ट टेक्निक आपको बताएं।